हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इंटरेस्टेड इन जीरन का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब इंटरेस्टेड इन जीरन का यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप इंटरेस्टेड इन प्लस जीरन का यूज तब करेंगे जब आपको कहना हो कि आपको किसी चीज में दिलचस्पी है या रुचि है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे इंग्लिश बोलने में दिलचस्पी है तो आप कहेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो मुझे इंग्लिश पढ़ाने में दिलचस्पी है या रुचि है तो मैं कहूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसे खाना पकाने में दिलचस्पी है या उसे खाना पकाने में रुचि है तो आप कहेंगे सी इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है या रुचि है तो आप कहेंगे ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। फ्रेंड्स, बाय द वे, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे मुझे सिगरेट पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है या मुझे सिगरेट पीने में रुचि नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मोकिंग सिगरेट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे आईफोन यूज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है या कोई रुचि नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग आईफोन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसे स्विमिंग करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है या उसे स्विमिंग करने में कोई भी रुचि नहीं है तो आप कहेंगे सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई कि जब कभी भी आपको कहना हो कि किसी नाउन को किसी चीज में दिलचस्पी है, रुचि है तो आप इंटरेस्टेड इन प्लस जीरन का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस लेसन को शानदार तरीके से समझे तो क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? अगर लिखा हो आई एम इंटरेस्टेड इन योर टीचिंग तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प लेसन के साथ एक नए वीडियो में।